भाई मेहनत हमेशा रंग लाती है, आपको पता ही है, सब लोगों कहावत में भी यही है। तो मेहनत तो आप घर पे करो, बाहर करो, मेहनत अगर करोगे तो शायद रंग तो लाएगी। ठीक है, मैं एक ही मैसेज दूंगा कि जो जो आपके अंदर टैलेंट है आप उसको पहचानें, मेहनत करें। क्योंकि जब मैं यहाँ से गया था तो आप लोगों को भी पता है कि कैसी फैसिलिटीज़ थी या यहाँ पे क्या था। बहुत स्ट्रगल करने के बाद यहाँ से ये अचीव किया है। अब अगर आपके पास फैसिलिटीज़ हैं तो बस आपको हार्डवर्क की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। तो यही कहूँगा कि आप फोकस करें और हार्डवर्क करते रहें। मैच होना था इतने सारे भारतीयों की उम्मीद और लगातार अच्छा प्रदर्शन आपने किया, क्या किसी खास क्वेश्चन को टारगेट करने की वो थी, क्या सोच रहे थे एक रात पहले? नहीं यार, एक रात पहले ऐसा कुछ माइंड में नहीं था, क्योंकि कॉन्फिडेंस अच्छा था, स्किल अच्छा चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, प्लानिंग पूरी हो चुकी थी। हाँ, जब बड़ा मैच होता है तो हमेशा कहीं ना कहीं हम सोचे नहीं, लेकिन प्रेशर रहता है हमेशा, कहीं ना कहीं माइंड वहाँ पे वर्क करता रहता है। आप चाहें कि हम चिल हो जाएं तो वो होता नहीं है, क्योंकि जब तक ख़त्म ना हो जाए टूर्नामेंट, जब तक हम शांत बैठते नहीं है, तो ज़रूर थोड़ा कहीं ना कहीं रहता है, मानते नहीं प्रेशर, वो बात अलग है। एक मुद्दा बहुत उठाता है कि पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडियन बॉलर्स को जो बॉल अजीब नई तरीके दी जा रही है, तो उनकी मानसिक स्थिति के बारे में क्या कहना पाकिस्तानी? ओ भाई, ये नहीं बोल सकते, क्या ही बोले इस बारे में, क्योंकि आपको सबको पता है, हमें पता है। इवन उन लोगों के प्लेयर्स ने भी, जो सीनियर्स हैं, जो लेजेंड हैं, जिनको दुनिया मानती है, उन्होंने भी उनको एक्सप्लेन किया है, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता। तो इसमें हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो सोची वैसी है। चलिए भाई, एक सवाल और, क्या आपके हिसाब से क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? क्या रोहित शर्मा की वो कैच या विराट का वो आउट होना अचानक बैट से बॉल लग के, क्या टर्निंग पॉइंट रहा मैच का? या फिर जो एम्पायर्स कॉल एक हुआ था, ट्रेविस हेड और लाबुशानी की जोड़ी वहाँ टूट जाती है, एम्पायर्स कॉल ना होता? देखिए, एक ही पॉइंट, एक ही चीज़ थी, क्योंकि रन हमारे पास उतने ज़्यादा नहीं थे कि हम, अगर काश हमारे पास 300 रन होते तो हम इजीली डिफेंड कर पाते। लेकिन एक चीज़ पे ब्लेम करके मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा रहता है, क्योंकि ओवरऑल टीम को देखा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। वो बहुत ज़रूरी होता है एज ए यूनिट वर्क करना और एज ए ग्रुप वर्क करना। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, शायद थोड़े से रन कम थे। भाई, आपके यहाँ जो अब यूथ है, आपका कल आप आए, कुछ बच्चे आपसे मिलने पहुँचे, कुछ यूथ से बात हुई आपकी? अभी थोड़ा सा टाइम दूंगा उनको भी, और जहाँ पे स्टेडियम का अनाउंस हुआ है वहाँ पे भी जाकर देखूंगा, अगर कुछ मेरे लायक सेवा होगी तो मैं जरूर। जो यूथ ट्राई कर, वो जो तैयारी, भारत का भी नाम रोशन किया है, और सरकार यहाँ आपके यहाँ पर स्टेडियम के लिए बकायदा यहाँ जमीन तलाशी जा चुकी है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? उसके लिए सबसे बड़ा, सबसे पहले थैंक्स बोलना चाहूँगा सरकार का भी, और जिसने भी ये स्टेप लिए हैं सब ने मिलकर, स्पेशली उत्तर प्रदेश सरकार ने, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अपने यहाँ टैलेंट बहुत है और बहुत बच्चों को ज़रूरत है कि स्पोर्ट्स में भी आगे जाएं, लोगों को जागरूक करें। तो ये चीज़ टैलेंट के हिसाब से और क्षेत्र के हिसाब से भी बहुत ज़रूरी थी कि हमारे यहाँ पे एक अच्छे स्पोर्ट्स एकेडमी हो, स्टेडियम हो, जहाँ पे लोग अपने स्किल को जानें, लोग उसको, कुछ कोचिज उन लोगों को सिखाएं, कुछ बेटर करें, वो बहुत ज़रूरी था। और ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी चीज़ हुई है यहाँ के यंग टैलेंट के लिए।